नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले अचोला पुलिस ने एवर साइंस सिटी स्थित रश्मि गार्डन नामक बिल्डिंग में हुए घरफोड़ी के मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि 13 नवंबर से 23 नवंबर के मध्य रश्मि गार्डन नामक इमारत में रहने वाली दिव्या पटेल के घर चोरी हुई थी, जिसमें 8,36,000 रुपए चोर लेकर फरार हो गया था। वहीं इस मामले में अचोले पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के मार्गदर्शन में पुलिस ने 100 से अधिक CCTV खंगाले और फिर भी जब चोर का पता नहीं चला तो पुलिस ने बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से पूछताछ की, जिस पर पुलिस ने शक के आधार पर हर्षिता उदय शंकर गुप्ता को हिरासत में लिया। वहीं जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। वहीं पुलिस ने उसके साथ एक नाबालिग मित्र को भी हिरासत में लिया है। वहीं इन आरोपियों ने चोरी के पैसों से 4 तोला सोने के गहने, 1 आईफोन, 1 KTM मोटरसाइकिल, फ्रिज, फर्नीचर, ऐसे कुल मिलाकर 4,30,000 रुपए का माल खरीदा है। वहीं पुलिस ने इस माल के साथ नकदी सहित 7,30,000 रुपए का माल भी बरामद किया है। वहीं अचोला पुलिस आगे की जांच कर रही है। पेश है नाला सुपारा की यह एक रिपोर्ट। सर, क्या मामला है बताइए? अचोला पुलिस स्टेशन के अंडर एक कंप्लेनेंट श्रीमती दिव्या पटेल जो रहती है रश्मि गार्डन एवर साइंस सिटी, इन्होंने घर खरीदी करने के लिए 8,36,000 रोक कैश ला के घर के तिजोरी में लॉकर में रख दिए थे। उसके साथ उसके उनके जेवरात भी थे। तो ये जो रखा था उन्होंने 13-11 को रखा था और 23-11 को उन्होंने काम की वजह से वो पैसा और पैसा देखने के लिए लॉकर देख खोला तो उसमें कैश अमाउंट और जो उनके ज्वेलरी थी वो वहाँ पे नहीं मिली। तो उन्होंने आजू बाजू में सब जगह ढूंढ लिया लेकिन उनकी प्रॉपर्टी उन कैश और गोल्ड मिला नहीं। तो उन्होंने अचोला पुलिस स्टेशन आके कंप्लेन दर्ज कर दी और अचोला पुलिस स्टेशन में घरफोड़ी का गुनाह दर्ज हुआ है। ये घरफोड़ी का गुनाह दर्ज होने के बाद यहाँ के पुलिस स्टेशन के जो सीनियर PI है चंद्रकांत सरोदे है, क्राइम PI गवली है, बाद में जो डिटेक्शन ऑफिसर है यशपाल सूर्यवंशी, PSI सुहास मात्रे, ASI राजेश काळकुंड, पोलीस हवालदार दाईंगडे, पोलीस शिपाई संगमे, पोलीस शिपाई बंडगर और पोलीस शिपाई कचरे, जो ये है डिटेक्शन स्टाफ, इन्होंने पूरा मेहनत करके पूरा ये केस का मतलब अंडर तक जाके वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन निकाली और एक लेडी सस्पेक्टेड लेडी ताबे मिली जिसका नाम है हर्षिता गुप्ता। तो उसको ताबे में लेने के बाद उसके पास पूछताछ करने के बाद उसने ये गुनाह किया वो कबूल दे दिया और उसने उसका एक बॉयफ्रेंड है जो नाबालिग है उसके साथ ये केस को अंजाम दिया था। तो वो केस में उन्होंने ये पैसा मिलने के बाद वो दोनों ने मिलकर एक आईफोन खरीदा था, एक KTM मोटरसाइकिल खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, फ्रिज खरीदा है, ऐसे जो कॉस्टली चीज़ें वो खरीदी थी और उसके बावजूद उनके पास 4,30,000 नगद अमाउंट रकम मिल गई है और ऐसा टोटल 7,30,000 रुपये 730 अमाउंट रिकवर हुआ है। बाकी का पुलिस कस्टडी रिमांड के दरमियान रिकवरी का काम चालू है। पकड़े गए आरोपी का कुछ पुराना क्राइम बैकग्राउंड? इनको ये दोनों आरोपी के ऊपर मतलब बैक हिस्ट्री कुछ गुनाह नहीं है। कौन कौन सी धाराओं लगा कर उनको इसमें? ये तो घरपोड़ी का धारा लगाया हुआ है इसमें, मतलब डे और नाइट की घरपोड़ी का है, 384 और 447 और 34। इसमें चोरी करने के बाद तुरंत उन्होंने गाड़ी महंगी गाड़ी खरीदी, KMT आईफोन खरीदा, फर्नीचर ये सच महंगी चीज मतलब उन्होंने शौक के हिसाब से खरीदी की है और चैन के हिसाब से ये सब कर रहे हैं।